आपसे और उम्मीद क्या की जा सकती थी? मैं क्या कुत्ते पर चढ़ा देती? नहीं नहीं, आप कुत्ते पे क्यों चढ़ाती? इतने सारे इंसान जो मौजूद हैं। Shut up, बकू मत। इतनी सी तो लगी है। इतनी सी? ये इतनी सी है? बेइज्जती करा दी आपने मेरी। तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, लोग गाड़ी को देख रहे हैं। What's your problem? ये आज ही होना था। आज ऑफिस में मेरा पहला दिन था। मैंने तो मैडम से पहले कितनी मिन्नतें की थी कि आपको ऑफिस ना बुलाएं, ना बुलाएं, लेकिन नहीं। वैसे मोनू, उल्टा चलने में बड़ा मजा आ रहा है ना? जी, आपको तो आएगा ही, आएगा ना? अच्छा सुनो, जल्दी आ जाना। हाँ हाँ। अरे रोकने को नहीं कहा उसको। रोको! स्टॉप स्टॉप! अरे रोको! ओके बाय। गुड मॉर्निंग मिस आशी। गुड मॉर्निंग। मैडम का ऑर्डर है ये लिफ्ट प्रेसिडेंट और डायरेक्टर्स के लिए। जी आप उधर से। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? पहचाना नहीं मैं कौन हूँ? जी पहचानता हूँ, लेकिन मैडम का ऑर्डर है। मेरा नाम आशी नहीं है, लिफ्ट सिर्फ प्रेसिडेंट और डायरेक्टर्स के लिए है। मैं क्या हूँ, चपरासी? साहब सीढ़ियां जा रही हैं। शाबाश। कब तक लोगों को बिल्कुल पहचान? मैं नासिर बशीर हूँ, इस कंपनी का डायरेक्टर पर्सनल। आपको वेलकम करता हूँ। वेलकम। थैंक यू। चाचू मैं आपको नहीं। उसमें तो धार है। कोई जरूरत नहीं है। तालियां। मेरा कमरा कहाँ है? आपका कमरा? आप ऐसा करें, पहले एमडी से तो मिल लें। ठीक है। अरे मोनू कहाँ है? मोनू गाड़ी बनवाने गया है। गाड़ी को क्या हुआ? जो गाड़ी को अक्सर होता है। चाचू आपने इसे तो यहाँ बुला लिया, अब देखना रोज कोई ना कोई तमाशा होगा और डांट मुझे पड़ेगी। भतीजी दफ्तर की फिजा बहुत दर्दनाक हो गई थी, तो मैंने सोचा एक हलचली हो जाए। ये मेरी कुर्सी है। जी मैडम ने यही कहा है। ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने जरूर गलत सुना होगा। मेरा कमरा कहाँ है? यही है, असल में बाहर के लोग सब यहीं आके बैठते हैं और पीआर तो यहीं से होता है। यहाँ? यहाँ जहाँ दो सेक्रेटरीज बैठते हैं, दो टाइपराइटर ठक-ठक करती रहती है और 10 चपरासी आते जाते रहते हैं। जी मैडम ने यही कहा है। अरे क्या मैडम मैडम लगा रखी है? मैडम ने इस कुर्सी की सूरत देखी है, इस जलील कुर्सी की? मैडम का ख्याल है कि ऑफिस में ज्यादा आरामदायी कुर्सियां नहीं होनी चाहिए, इससे काम सफर करता है। और मैं जो सफर करूंगी उसका कोई ख्याल नहीं किसी को। क्या हुआ? इसमें कीले निकली हुई है। नहीं, मैं कीले ठोक। डायरेक्टर पर्सनल ने हथौड़ी इसी काम के लिए रखा है। वेरी फनी। उनसे कहना कि इसे कोई म्यूजियम में भिजवा दे और कोई ढंग की कुर्सी यहाँ मंगवा दे। जी वो कहते हैं कि कुर्सी महंगी और हथौड़ी सस्ती है। सेक्ट्री मुझे क्यों बोले, हाय सेक्ट्री हेलो सेक्ट्री क्यों बोले। मैडम लास्ट ईयर टर्नओवर वाज 3 करोड़। मैडम वी आर वेटिंग फॉर लास्ट ईयर आस्पेक्ट योर ऑटोग्राफ। मैडम प्लीज टेल मी अबाउट दैट। मैडम अरे क्या लड़की है भाई, क्या बात है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑफिस। थैंक यू। आपकी कुर्सी। मम्मी मेरा क्या है? हाँ तुम मिस वर्मा के पास बैठोगी, एक मेज कुर्सी लगा दी गई है तुम्हारे लिए वहाँ पे। सारा काम उन्हीं से सीखना और क्लाइंट्स की लिस्ट भी उनसे ले लेना। ओके पर मम्मी मेरा कैबिन। हाँ थैंक यू मेज और कुर्सी का। यू आर वेलकम। हाय
अरे शमा नीचे खड़ी जल रही, परवाने को आज वक्त का अंदाज ही नहीं रहा। I'm sorry, Sridhar, I'm late. चलो, let's go. Fast. जल्दी, जल्दी, जल्दी बाड़ी. All right, here we go. Oh. बहुत दूर चले गए हैं. I'm sorry. इतने लंबे सैंडविच के लिए आप मुंह कहाँ से लाएंगे? सुनिए, आज इतवार है, डॉक्टर की दुकानें बंद। थैंक गॉड आज इतवार है, छुट्टी है। लो जी, दो दिन से काम पर गई और इतनी थक गई। मेरा ख्याल है कि मैं काम करने के लिए पैदा नहीं हुई। पहले किस रूम में पैदा हो गई? खाने के लिए कि गाना गाने के लिए? यू आर राइट मोनू, वेरी राइट। कभी तो मैं थक गई हूँ काम करते करते, सुबह काम शाम काम। खाए जाइए, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, कह दे रहा हूं। नो प्रॉब्लम, मुझे ना डॉक्टर की जरूरत है ना दवा की। मैं रोज एक सेब खाती हूँ, इससे कि डॉक्टर दूर रहे। आपके लिए तो बम शेल्टर जैसा घर बनाना है। मैं तो कहता हूँ कि अभी भी वर्ल्ड वॉर की दो चार पीस कहीं पड़े होंगे, मंगवा लीजिए अपने लिए। नो नो एंड नो, आई वॉन्ट नो आर्ग्यूमेंट्स। मैडम ने सीमा के लिए लड़का पसंद कर लिया है, कल आने वाला है। अगर लड़का कल आ रहा है तो ये तूफान आज क्यों आ रहा है? नो नो एंड नो, चाहिए ना, बचाइए उन्हें, वो ऐसी बेजुबान है बेचारी। तो मैं क्या अपनी जबान कटवा लूं? मम्मी के मुंह से इस वक्त धुआं निकल रहा होगा, जो सामने आएगा जलकर राख हो जाएगा। आप बस कह जा रही, जाइए ना, बचाइए उन्हें। जा रही हूँ, वापस ना आएगी ना तो बाकी का सैंडविच मेरी लाश के ऊपर रखवा देना, समझे? मुझे तुम दोनों की शादी करनी है और फौरन करनी है। वैसे भी ये सारे काम मुझे करने होंगे, अगर तुम्हारे अब्बू होते तो बात कुछ और होती, लेकिन अभी ये सारे फैसले मुझे करने हैं। और जाहिर है कि मैं जो कुछ फैसला करूंगी वो तुम्हारे भले के लिए करूंगी। Am I right? जी जी जी। जो लड़का मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है वो शहर के अमीर तरीन लड़कों में से है, शरीफ है, बुरी हरकतों में नहीं है, ना सिगरेट, ना शराब, ना ड्रिंक्स और ना ही कुछ और। तो मैंने फैसला किया है, सीमा क्योंकि बड़ी है इसलिए सीमा की शादी पहले होगी दिलदार सुपारी वाले से। कौन से वाला से होगी? दिलदार सुपारी वाला। ये किसी लड़के का नाम है या पान की दुकान का? सॉरी मम्मी। अब वैसे वो करते क्या है? शहर के टॉप क्रिमिनल लॉयर में से है। तो हमारे पल्ले क्यों पड़ रहा है? हमने कोई क्राइम नहीं किया। कल शाम को तुम दोनों तैयार रहना, वो मिलने आ रहा है। अच्छा, आई एम गोइंग फॉर ब्रिज, आई विल सी यू लेटर। मगर मम्मी हम तो पान भी नहीं खाते। कबाब मैडम, कबाब। ये भी जल रहा है। क्या हुआ, कोई मर गया है क्या? नहीं तो। तुम्हारी शक्ल से तो ऐसा ही लगता है कि तुम मातम करके लौटी हो। तुम बहुत पत्थर दिल हो, तुम्हें नहीं मालूम मेरे साथ क्या हो रहा है। वैसे मामी के ऑफिस में काम करने के लिए पत्थर होना बहुत जरूरी है। पर हुआ क्या? वो जो शादी की बात हो रही है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? हाँ हाँ, शादी ही तो तय हो रही है, गोली तो नहीं मार रहा कोई तुमको? इससे तो अच्छा होता गोली मार देती। अरे नहीं बाबा, मम्मी का निशाना बड़ा खराब है, मारती तुमको लगती मुझको, अच्छा हुआ नहीं मारी। कैसे सीमा, जिस वक्त मम्मी ये सब तय कर रही थी क्या तुम्हारे मुंह पर ताला लगा हुआ था? मैं तो कहती हूँ तुम्हारा नाम ही सीमा ताला वाला होना चाहिए था। मैं कैसे कह देती मम्मी से? अरे हिंदी में कहती, उर्दू में कहती, अंग्रेजी में कहती, कोई तो जबान समझती। हालांकि मुझे शक है। सुनो, तुम क्यों नहीं कह देती मम्मी से कि मैं शादी का फैसला खुद ही कर लूंगी? सॉरी, मैं बलि का बकरा नहीं बनूंगी। जो कुछ कहना सुना है खुद कहो जाकर। मुझसे कोई हमदर्दी नहीं। हमदर्दी और बेवकूफी में बड़ा फर्क होता है। वैसे तुम खुद हिम्मत करके क्यों नहीं कह देती? ठीक है, फिर मैं खुद ही कह दूंगी। उफ़ आशी, बंद करो इसे।
क्या किया जो मुझसे खफा हो गई? मैं कोई बीड़ी वाले के रिश्तेदार हूँ। जाओ आशी, सो जाओ। प्लीज सीमा, खफा मत हो। देखो हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, इस प्रॉब्लम के भी दो रुख हैं। क्या दो रुख? या तो शादी कर लो या नहीं, और अगर जो तुम उसे शादी करोगी तो उसके भी दो रुख हैं। देखो मैंने उसकी तस्वीर देख ली है, बस थोड़ा बहुत आदमी का बच्चा है, पर दूसरा रुख बड़ा ही रोशन है। तीन तीन गाड़ियां हैं उसके पास, एक तो उसमें मर्सिडीज भी है, बड़े बड़े बंगले में रहते हैं। तो इस तरह तुम शादी के बाद तीन तीन गाड़ियों में घूमती फिरोगी, बल्कि मैं भी घूम लूंगी कभी कभार। ठीक है, तो ऐसा करो तुम कर लो उससे शादी। मैं? असल में क्या है कि वो जो गुब्बारे वाला, नहीं नहीं सब्जी वाला, क्या नाम है उनका, हाँ हाँ सुपारी वाला उनका नाम है ना, कुछ अच्छा नहीं है। और तुम तो जानती हो मेरा दिल बड़ा कमजोर है, किसी ने गलती से भी मुझे आशीष सुपारी वाला कहा ना तो मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा। सोच लो, तीन तीन जबरदस्त गाड़ियां हैं। That's a point. एक नहीं दो दो कोठियां मिलेंगी। घूमने करने की बात है वैसे। हीरे जवाहरात, शानदार कपड़े जूते सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अगर वो अपना नाम बदलकर नकाब पहनकर शादी का वादा कर ले तो मैं तैयार हूँ। वैसे क्या फर्क पड़ता है, शक्ल नहीं देखूंगी, गाड़ियों की तरफ देखूंगी, जेवरात की तरफ देखूंगी। और वैसे भी मेरा ख्याल है सीमा, बहुत से लोगों की जिंदगी इसी तरह इधर उधर देखकर ही गुजर जाती है। रियली? थैंक यू आशी। ओके, अपनी डायमंड की अंगूठी और बूंदे मुझे दे दो। क्या तुम मुझसे रिश्वत लोगी? वेल यू नो, जब जिंदगी और मौत का सवाल है तो सब कुछ जायज है। ये लो रख लो, ये लो रख लो। पान की दुकान तुम्हें मुबारक हो, वैसे मुझे पानों से एलर्जी है। इनके अब्बा के इंतकाल के बाद सब कुछ मैंने ही संभाला, कोशिश यही की कि इनकी अच्छी तरबियत हो। सीमा बहुत अच्छी शायरी करती है और आशी बहुत अच्छी पेंटिंग। हाँ यहाँ रख। सीमा बेटे चाय बनाओ। आशी दिलदार साहब को प्लेट दो। मुझे आधे घंटे के लिए बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। जी मुझे भी जरूरी काम है, मैं भी निकलता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप बैठिए ना, चाय पीजिए, बातें वातें करिए। अच्छा